हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं, आरआरबी एनटीपीसी 2019 की एग्ज़ाम डेट को लेकर। 28 मार्च से एग्ज़ाम है, क्या एग्ज़ाम मार्च में होगा, क्या इसकी सच्चाई है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये आपके लिए हो जाती है। क्योंकि एक ऐसा समय जहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम की डेट को लेकर वेट कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि यहां पर इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी यानी कि क्या न्यूज निकल कर आई है उसकी ऑथेंटिसिटी पर भी मैं बात करने जा रहा हूं कि क्या सच्चाई है। तो बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें। सो स्टूडेंट, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एक पीडीएफ, जो कि रिक्रूटमेंट फॉर द नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी एग्जाम को लेकर है, पोस्ट अगेंस्ट सीईएन 01/2019 नोटिस फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम। जी हाँ, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन यानी कि 13 मार्च से आप ये चीज़ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना फ्री ट्रेन ट्रेवल अथॉरिटी ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं ई कॉल लेटर जो कि 4 डेज प्रायर टू सेकेंड स्टेज सीबीटी डेट मेंशन इन एग्जाम सिटी एंड डेट इंटीमेशन, ठीक है। और साथ ही यहां पर दिया गया है 4th नंबर पर एक्टिवेशन ऑफ मोक लिंक फॉर फर्स्ट स्टेज सीबीटी, तो जो कि 17 मार्च से यहां पर होना है, ठीक है। शेड्यूल ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी 28/3/2020 से 30/4/2020 यानी कि 34 दिन के अंदर अंदर ये सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाना है। तो स्टूडेंट, ये इस तरह की पीडीएफ यहां पर देखने को मिल रही है। बाकी यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा एग्जाम के शेड्यूल के बारे में बताया हुआ है, एग्जाम ड्यूरेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें हम इस पीडीएफ की, तो इस पीडीएफ की ऑथेंटिसिटी पर थोड़े से सवालिया निशान लग जाते हैं, क्योंकि आज ये मॉर्निंग से वायरल हो रही है, आज ये मॉर्निंग से वायरल हो रही है और मेरे व्हाट्सएप पर भी आई, मेरे कुछ खास स्टूडेंट हैं उन्हीं के द्वारा मुझे ये मिला और मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज़ अगर मार्केट में वायरल हो रही है, इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्म है एनटीपीसी एग्ज़ाम की डेट को लेकर, तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको सच्चाई का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप लगातार देख रहे होंगे, जहां पर 28 मार्च की डेट लगातार दिखाई जा रही है। तो स्टूडेंट, इसकी ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए जब मैं आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाता हूं तो वहां मुझे कुछ नहीं देखने को मिलता, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। सो स्टूडेंट, ये है आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इलाहाबाद। यहां पर अगर मैं देखता हूं नोटिस में जाकर, तो 29 नवंबर 2019 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बाद का यहां पर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की है, ठीक है। तो इसी लिहाज से अगर इस चीज पर हम गौर करते हैं तो हमें ये पीडीएफ अभी तक फेक ही नजर आ रही है, यहां पर कोई भी इसकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं हो पाती कि ये बिल्कुल सच है। लेकिन लगातार दो न्यूजें सिमिलर न्यूज, एक तो पीडीएफ का आना और 28 मार्च की आपने पेपर कटिंग देखी होगी, ठीक है, तो दोनों में अगर सिमिलर डेट आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें भी हो सकता है। तो उस वो भी क्लैरिटी, मैं कहता हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर वो भी क्लैरिटी हमारे सामने आ जाएगी कि आपका एग्जाम फरवरी में होना है, क्योंकि फरवरी की भी काफ़ी न्यूज़ निकल कर आ रही थी पहले से। आपसे अगर एक हफ्ते पहले की बात की जाए तो फरवरी की न्यूज़ आ रही थी, अब एक ये न्यूज़ निकल कर आई है मार्च को लेकर। स्टूडेंट, आपका एग्जाम चाहे फरवरी में हो, चाहे आपका एग्जाम हो यहाँ पर मार्च में, आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपको बेहतर रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। तो एग्जाम चाहे फरवरी में हो चाहे मार्च में हो, आप तैयारी से रहिए, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाकर चलिए। जो भी न्यूज होगी एग्जाम की डेट से रिलेटेड, वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे। क्लासेस हमारी प्रॉपर चल रही हैं, आप क्लासेस के साथ जुड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट उठाकर चलिए, ठीक है। तो एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी अदर कोई भी जानकारी मेरे पास होगी, एग्जाम को लेकर इंफॉर्मेशन कोई भी होगी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर यहां पर उपलब्ध कराकर चलूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।